श्रद्धा के सीने पर बैठकर दबाया गला, बॉडी के टुकड़े कर निकाली आते। चार्जशीट में अफताब के कबूलनामे की 10 बड़ी बातें। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है, जिसमें इस हत्या की पूरी कहानी को बताया गया। आरोपी अफताब ने बताया कि कैसे उसने इसे अंजाम दिया। दिल्ली में हुए मशहूर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर पुलिस की चार्जशीट सामने आ गई। पुलिस चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे आरोपी अफताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और किस तरह उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। चार्जशीट में अफताब के पूरे कबूलनामे को शामिल किया गया है, जिससे श्रद्धा हत्याकांड की पूरी कहानी पहली बार लोगों के सामने आई है। आइए इस चार्जशीट में शामिल 10 बड़ी बातें जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में अफताब का जो कबूलनामा लिखा है, उसमें आरोपी ने बताया है कि कई बातों को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे, जिसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या का प्लान बनाया। आरोपी ने बताया कि एक दिन श्रद्धा झगड़े के बाद गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद उसने श्रद्धा को पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और उसकी छाती पर बैठकर अपने दोनों हाथों से कसकर उसका गला दबाया, जब तक वह मर नहीं गई। दिल्ली पुलिस को दिए कबूलनामे में अफताब ने बताया कि उसके पहले शव को बाथरूम में छिपा कर रख दिया। उसने तब सोचा कि बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर एक बैग में भरेगा और वह जाकर कहीं फेंक देगा। इसके लिए उसने छतरपुर के एक दुकान से काटने के लिए हथियार खरीदे। अफताब ने अपने कबूलनामे में बताया कि बाद में उसने प्लान इसलिए बदल दिया क्योंकि बैग में भारी लाश को लेकर जाने से वो पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसके बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दिए। इसके बाद 25,000 का एक फ्रिज खरीदा और इसमें श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रख दिए गए। पूरे बाथरूम और घर में फैले खून को साफ करने के लिए अफताब ने ब्लिंकिट से बाथरूम साफ करने वाला सामान ऑर्डर कर दिया। साथ ही बदबू दूर रखने के लिए ब्लीच का भी इस्तेमाल किया। उसने रात तक फैले हुए खून को पूरी तरह साफ कर दिया। अफताब ने बाद में ये प्लान बनाया कि वो बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जंगल में फेंक देगा। इसके बाद लाश को काटने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। अफताब ने हर बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाने के लिए अपना दिमाग लगाया। आरोपी अफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को पेट्रोल से भी जलाया। इसके बाद उसने हड्डियों को ग्राइंडर में पीस कर उसके पाउडर को सड़क पर फेंक दिया। ऐसा उसने कई हिस्सों के साथ किया। उसने इसके लिए मार्बल घिसने वाले ग्राइंडर का भी इस्तेमाल किया। पुलिस चार्जशीट में जो अफताब का कबूलनामा है, उसमें आरोपी ने यह भी बताया है कि कैसे उसने श्रद्धा की आंतों को शरीर से निकालकर एक पॉलीथीन में कूड़ेदान में डाल दिया था। उसने हाथ की उंगलियों को भी अलग कर दिया था। अफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के सिर और उसके धड़ को आखिर तक फ्रिज में रखा था। उसे पहचान होने का डर था। करीब 3-4 महीनों के बाद उसके सिर और चेहरे को ब्लो टॉर्च से जला दिया और बाल काटकर उसकी पहचान मिटाने के बाद उसके सिर, दोनों हथेली और धड़ के हिस्से को छतरपुर एंक्लेव के जंगल में फेंक दिया। पुलिस चार्जशीट में अफताब के हवाले से बताया गया है कि उसने आखिर में श्रद्धा के बालों को और कपड़ों को 60 फुटा रोड छतरपुर पहाड़ी के कोने पर रखकर बड़े बड़े कूड़ेदानों में डाल दिया और इसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगा।